धनवार थाना क्षेत्र के गुरहंद गांव निवासी चंदन साव ने धनवार थाने के एक एसआई पर उसकी पत्नी से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए गिरिडीह एसपी आदि से न्याय की गुहार लगाई है। इसके खिलाफ अब पत्नी ने भी पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसके भाई व रिश्तेदारों के साथ धनवार पहुंचे चंदन की पत्नी ने पत्रकारों को बताया कि पति द्वारा उस पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और यह उसे बदनाम करने की साजिश है ताकि दोनों में तलाक हो जाए। बताया कि उसके दो बच्चे हैं और पति उससे तलाक चाहता है, इसके लिए तरह तरह से प्रताड़ित करता आ रहा है। प्रताड़ित कर कई बार मायके भेज चुका है, तलाक के लिए कोर्ट में केस भी किया है। कहा कि जनवरी 2019 में सामाजिक फैसले के बाद जब वह ससुराल आई तो एक माह बाद बगल गांव में एक लड़की की हत्या हुई थी जिसमें उसके पति का भी नाम आ रहा था। इसी क्रम में अपने मायके बात करने के लिए मोबाइल ली तो उसने उसके साथ मारपीट की। संयोग से उसी वक्त पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी आ गई और उसके पति को उठाकर थाने ले गई। उसी मामले में धनवार पुलिस के साथ गिरिडीह कोर्ट गवाही देने गई थी। सबूत के तौर पर उसने उक्त एसआई सत्येंद्र पासवान के साथ सेल्फी ली थी। अब इतने दिनों बाद उसी फोटो को आधार बनाकर उसे बदनाम किया जा रहा है ताकि तलाक हो जाए। इधर महिला के पति चंदन साव ने कहा कि एएसआई का मेरी पत्नी से नाजायज संबंध है, उसने मेरी पत्नी से मुझ पर मुकदमा करवाया और मेरे साथ मारपीट भी की। उसने मेरी पत्नी के लिए मिर्जागंज में घर भी बनवाया है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, इंसाफ पाने के लिए ही गुहार लगा रहा हूं। मुझे कहना है कि मेरी पत्नी उसके साथ मैं नाजायज संबंध बनाकर मुझे मारपीट भी करवाया और मैंने हम इंसाफ के लिए उसके साथ नाजायज संबंध है। मेरा घर में आना जाना भी करता था, रात के समय आया था उसका घर में भी किया था और अभी खरगडीहा में भी उसका घर बना दिया और वहाँ एक महीना से रह रही। इस संबंध में हम मेरे पत्नी को छीन लिया गया, मेरा पत्नी और बच्चे उसके बिना मैंने रोते भी लगते हैं, इसलिए इंसाफ के लिए हम ये साथ इंसाफ मांग रहे हैं। सरासर झूठ है। एक बालकीडी गांव में एक लड़की का मर्डर होने के कारण मेरा पति का उसमें नाम चला गया था जिसमें मुझे कोर्ट में गोवा के लिए बुलाया गया था। तो उसमें हम दूसरे के साथ नहीं जाकर प्रशासन के साथ गए थे एसआई सत्येंद्र पासवान के पास, जो वो छवि हम उसको सेल्फी लेकर रखे थे एक साबुत के तौर पर कि हम थाना प्रभारी के पास गए हैं और वो फोटो 2019 का है जो आज हमें वो फोटो लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा छवि खराब कर रहा है, साथ में सत्येंद्र पासवान सर जी का भी छवि खराब। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज, राजधनवार।